First blood. Kill. First blood. Double kill. तो नमस्कार दोस्तों, अब जॉब ढूंढने का आपको एक आसान सा तरीका बताऊं, अपना मोबाइल। सर मेरा यूआर कैटेगरी में इतना रैंक है, सर मेरा वीसी कैटेगरी में इतना रैंक है, ईवीसी कैटेगरी में इतना रैंक है, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में इतना रैंक है, सर क्या मुझे यहाँ कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों अभी भी काफ़ी बच्चों के मन में ये डाउट चल रहा है लोगों के लिए। तो यदि आपका मार्क्स 160 है, 170 है, 180 है, 190 है, तो यहाँ पे जो है आपका चांसेस है कि आपको ANM कोर्स ही मिलेगा, ठीक है। यदि आपका मार्क्स 160, 170, 180, 190 है, 200 चाहिए ऐसे तक होना चाहिए, EWS से 300 रैंक तक होना चाहिए, यानी आपका रैंक, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझना है इस चीज़ को, PM वीमेन कैटेगरी में रैंक, ठीक है, PM वीमेन कैटेगरी में रैंक जो है आपका, देखिए UR से 3000 तक होना चाहिए, SC से 800 तक होना चाहिए, ST से 60 रैंक तक होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप BC के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, आपका मार्क्स भी ठीक ठाक है ना, और आप आते हैं BC कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है, तो BC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो वहाँ पर देखिएगा PM वीमेन कैटेगरी में BC रैंक मिलाइएगा, ठीक है। BC रैंक में आपका 2000 के अंदर तक होना चाहिए, 2000 के अंडर अगर आपका रैंक है BC कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपको ANM का कोर्स मिल जाएगा किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बात था ANM का, ठीक है। अब देखिए बहुत से बच्चे ये बोलेंगे कि सर अगर मेरा मार्क्स 140 है, 150 है, 160 है, तो क्या मेरा एडमिशन नहीं होगा? ऑफकोर्स हो सकता है, kill.